माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह फिर निकल गए, ये घर में टिकते नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं वजीराबाद जगतपुर, क्योंकि हाँ उनके पे है, तो जो प्रसाद वगैरह लाए थे वो लेके जा रहे हैं घर। और कुछ नहीं, पुनीत स्कूटी लाया था तो वो आ रहा है स्कूटी पे, और हम तीनों जा रहे हैं ऐसे। तो चलो चलते हैं घर, खोल के चलेंगे ना। अबे बहुत और आज का व्लॉग मे भी कुछ प्रैंक, चुप रहो, एक मिनट चुप हो जाओ मम्मी। आज का व्लॉग मे भी कुछ प्रैंक व्लॉग भी हो सकता है, या मैं आज आपका अपने सास ससुर का इंटरव्यू भी कर सकती हूँ। मतलब इंटरव्यू मतलब आप समझ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी अपने बारे में, खुद ही एंकर बन जाऊंगी। नहीं भाई को बनाइए सही एंकर, नहीं नहीं खुद ही रिपोर्टर बन जाऊंगी, या 10 क्वेश्चन पम्मी को लिख के दे दूंगी, वो पूछेंगे मम्मी पापा से है ठीक है कि मैं कैसी हूँ, मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरे रहन सहन के ऊपर, सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हैं, चीज पसंद है क्या क्या चीज नहीं पसंद, हाँ जो आप लोग पूछना चाहते हैं कि आप पल्ला करते हैं नहीं करते, आप जीन्स पहनते हो पापा के सामने के नहीं पहनते, तो ये सब है ना, तो ये सब बना देंगे आज। अगर प्रैंक नहीं कर पाई क्योंकि पापा पे ना, अगर बिन बताए मतलब पापा को पता होगा, एक्टिंग तो पापा पे होती नहीं, और प्रैंक ही क्या, जो पहले बता के करो, चलो ना बता के करो तो प्रैंक किया। और अगर मैंने पापा के ऊपर प्रैंक करा ना तो पापा तो सही में बहुत सीरियस हो जाते हैं, और इन्हें धो भी सकते हैं है मम्मी, और ना पता है बहुत रोने भी लग जाएंगे, इसलिए तो पापा के ऊपर प्रैंक मेरे से मुश्किल ही होगा। हाँ तो मैं इंटरव्यू टाइप कुछ व्लॉग कर सकती हूँ, पर प्रैंक नहीं कर सकती पापा पे। फिर भी अगर आप चाहोगे तो ये वाले व्लॉग पे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी करने। आ चुके हैं वजीराबाद प्रसाद लेके, तो मम्मी उठी है तो उठाएंगे, अभी नूना सोई रही है अभी तो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? देखो मैं अपने न्यू टॉय पे कैसे खेलता हूँ। अच्छा अच्छा, ये सोने ये दकी किचकी है, ये दकी किचकी है। गुगु ओए गुगु, गुगु गुगु कहाँ हो गया, कहाँ देख रहे हैं? ओए गुगु बोल ना, इधर तो देख, पन्नी देख रही है सामने। गंदू ये देख फोन में कौन आया, गंदा बच्चा, चूना आ गया, बोलो चूना। रुको पापा एक मिनट, कैसा लग रहा है मम्मी तुझे हमें देख के? चूड़ी तो सबके लेके आए हैं, सबके लेके आए हैं चूड़ी, मैंने नहीं पहनी, मैंने अभी पुरानी वाली पहन रखी। मैंने बना दी है रोटी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पापा के साथ कुछ ब्लॉग बनाएंगे तो अभी बनाएंगे। आ जाओ आप भी खा लो, और यहाँ चल रही है वो न्यूज़, पापा ने चलाई है, और जब मैं आती हूँ तो मम्मी कहती है मैं ही रोटी बना देती हूँ तू मत बना, तो इसलिए मम्मी बना देती है, मुझे बना रही है। आज मम्मी ने आलू गोभी बनाए, रोज आलू बैंगन बना रही थी, आज गोभी बना दी। हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पापा के संग व्लॉग बनाएंगे, कुछ प्रैंक करेंगे या कुछ करेंगे, पर पापा के ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि पापा घर में ही नहीं टिकते। पापा निकल गए, निकल गए पापा, फिर रील बना दी गाइस पापा के साथ पहली बार, पर पापा नहीं, पापा को बुलाती हूँ, नहीं उधर है पापा, तो अपने कमरे में है, बुला के लाना, वो अपने कमरे में है, वो रे पंखा चला के बैठे हैं। पापा भग गए, पापा को मौका चाहिए था बस जाने का, कब से है ना मैं रोक रही थी पापा रुक जाओ बात करेंगे, पापा व्लॉग बनाएंगे। अब जैसे ही हम थोड़ी देर को इधर उधर नजर हुई भग गए। आप पूछो सवाल मम्मी जवाब देगी, मम्मी खड़े हो, खड़े हो, आप पूछोगे ना मेरे लिए फिर मम्मी जवाब देगी। मैं कह रही हूँ छिपकली सी है, चलो इधर मम्मी आप ही इनके पास आ जाओ। कैसे क्या मम्मी कैसे कहूँ ये, इसमें ना मम्मी आपका देखा जाएगा आप क्या जवाब देती हो, जो सच है वही बोलना है, जो सच है वही जवाब देना है आपको, कोई झूठ नहीं चलेगा। मम्मी बिल्ली आ गई पकड़ना, मैं भगा क्यों ना, बंद कर दो, देखियो कैसा मुंह आ रहा, इसे मैं सही कर लूंगी ऐसी ठीक है। तो चलो गाइस हम इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, चलो कुछ भी सवाल पूछो मेरे हित में। मम्मी सबसे पहले बता निशित को कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है।
सही बता, एक आध चीज जो बुरी लगा वो बता दे। कुछ चीज बुरी लगे, कुछ चीज बुरी लगे। हाँ, खूब बुरी लगा, खूब बुराई करे। कभी कभी करे, सच बताना है। कभी कभी जब तू ऐब करे है ना, ऐब क्या, ऐब क्या, ऐब की करे, जब तू बोल जावे। हाँ, जैसे कभी मम्मी, जैसे अब तो नहीं होती, नए नए में जैसे मम्मी कुछ बोलती थी तो मुझे आदत नहीं थी, तो जैसे मैं कुछ बोल देती थी हाँ नहीं होता, तो उस टाइम पे होती थी, अब तो मुझे आदत हो गई, अब मैं इनकी बातों पे ध्यान नहीं देती, अगर ये कुछ बोलती है तो मैं कहती हूँ ठीक है। इसकी अच्छी बात कुछ अच्छा, इसकी अच्छा ये बहुत अच्छा लगा है के? कि जो मन की बात, मम्मी तेज बोलो, तेज तेज, जो मन की बात है उसे उगल दे रहा है। अच्छा, एक अच्छा ही हुआ, मतलब किसी का कहे कि बुरी लगो चाची लगो मुंह पे कह दी। चलो दूसरा, सासू है चाचा ननद है। हां, ये बात है कि मेरा शुरू से है, अगर मेरी किसी से भी, जैसे दीदी, दीदी भी होती थी, जैसे मेरी ननद है या मेरी मम्मी है या मेरे मम्मी पापा है या मम्मी पापा है ये वाले, तो मैं सबको ही बोल देती हूँ कि भाई ठीक, मेरा मेरे को ये प्रॉब्लम है इस चीज से, तो आप ये चीज मत करो, ये मेरा क्लियर रहता है। चलो तुझे मतलब कि मम्मी जैसे यू जींस भी पहन रहे हैं, तो तुझे कोई दिक्कत ना? मुझे पूरा बोलो, शॉर्ट्स भी, शॉर्ट्स भी पहन रहे हैं कच्चा, कोई दिक्कत नहीं? मम्मी तो खुद लहंगा पहनने को तैयार है, घर बचौत पे मेरी मुझे कोई दिक्कत ना, कुछ ही हो लो, कुछ सबके बच्चे पहनते हैं, लेकिन मतलब कि खुश रहो। हमारी मम्मी का कहना है खुश रहना चाहिए, खुश ही अपने। और तीसरा जो मेन क्वेश्चन है, आप सब जानना चाहते हैं मेरे घूंघट को लेके, कि मैं घूंघट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, कि रील्स में करती हूँ, व्लॉग में करती हूँ, नहीं करती हूँ, आप बेशरम हो क्या हो, तो ये सब ये बताएंगे। पूछो मम्मी से, घूंघट से मम्मी तो कोई दिक्कत, पहले बताओ कि मैं घूंघट करती हूँ कि नहीं करती। घूंघट हमने नहीं कर दिया, घूंघट मैं जब नई नई आई थी तो मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में एक दो बार तो मैं लुढ़क जाती थी क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी, और अगर किसी दिन इन्होंने पहना दिया हैवी सूट तो मुझे कुछ दिखते नहीं था, फिर मैं कमरे में ही बैठी रहती थी। तो शुरू में मैंने 2 महीने करा था, है ना, 2 महीने करा था, फिर मेरी नंद ने मेरा घूंघट खुलवा दिया था। ये सब तो, ये तो मेरे पति बहुत ज्यादा, मैं वीडियो बनाती हूँ, छोटे कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद भी इनका दिमाग बहुत वैसे है, इनको ये था कि नहीं ये घूंघट नहीं खोलेगी। फिर मम्मी और नहीं बोला कि जब वो वीडियो बनाती है तो हम उसकी वीडियो भी देखते हैं, तो उसके बाद हम मुँह मतलब घर पे घूंघट में देख के क्या करेंगे, तो इसलिए फिर 2 महीने बाद मेरी नंद आई थी यहाँ रहने, उन्होंने हमारा घूंघट खुलवा दिया था, हमारा नहीं मतलब मेरा। तो मैं घूंघट नहीं करती हूँ, ना कि पापा से, ना ही मम्मी से, ना बाहर का कोई आता है तो बाहर के सबसे करती हूँ, भाई से नहीं करती, मम्मी पापा से नहीं करती, इनसे भी नहीं करती, हाँ इनसे करती हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ बाहर का कोई आता है तो करती हूँ ना, क्योंकि घूंघट ने खुलवा दिया, क्योंकि एक तो यार के मतलब की उम्र बहुत कम है, दूसरा यू बोलती थी, दूसरी बात यू है कि मतलब घूंघट करके खाट पे बैठ जाते शुरू में मुझे पता नहीं था कि मैंने कही कि भैया तू, तो मैंने कही तो मतलब वैसे तेरा घूंघट कर ले वैसे तू खाट पे बैठेगी, भाई तेरे बस की नहीं है, प्लीज यहाँ फंस से, मतलब शुरू में क्या हुआ, मतलब एक आध हफ्ता ही हुआ था मम्मी पापा खाट पे बैठे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जाके या तो पीड़ा पे बैठना है या नीचे बैठना है, मम्मी पापा बैठे, मैं तो जाके बीच में ही बैठ गई घूंघट करके, घूंघट कर लिया, घूंघट कर लिया पापा से ही, और बीच में बैठ गई। तो मम्मी कह रही निशी बेटा यहाँ को बैठ जा, मैं कहा मम्मी मैंने बैठी वहाँ पे ऐसी की हवा नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। तो उसके बाद ऐसे ही 2 महीने निकाले मैंने जैसे तैसे, फिर मैं सबसे बोलती थी, मेरी आदत है बोलने की, आप लोगों को पता है, तो मैं पापा से भी बोल रही हूँ, पापा के कमरे में ही बैठ के टीवी देखती थी, पापा उधर बैठे, मैं इधर सोफे पे बैठ जाती थी, पापा अपनी खाट पे। तो फिर उसके बाद मेरा घूंघट खुलवाई दिया, इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे मीनाक्षी है जैसे वशु ऐसी तू है। बहुत से मतलब कि कमेंट करे लोग, बाकी कहवे भी है, अब वो समझ जाएंगे बाहर वाले या घर वाले, तो भाई हमें दिक्कत ना, मेरे माँ बाप ने दिक्कत, मुझे दिक्कत ना, तो तब हाल हो हम ते, मेरी बहू भैया इनके लौंडा की बहू, इन्हें पापा आ गए पापा यहाँ आओ, तो तुम कहा अपनी एस्टेसी करवाओ भाई, बोल के भाई फलौने की बहू ऐसे है, फलौने की बहू ऐसे, अरे भैया हमें दिक्कत ना, थारी बच के तम थारी पिछवाड़े में ब्लॉग बना रहे हैं, आ जाओ थारी पिछवाड़े में दम है तो तम करवा के देख लो, देख रहे हैं हमें दिक्कत ना। हाँ तो गाइस ये बात है, आप लोग मेरे घूंघट का मेन आपको रहता है, तो जी हाँ मैं नहीं करती हूँ, ये अब आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि मैंने घूंघट कौन कर रही है, और ओखल की शर्म होनी चाहिए, और वैसे हमने भी ऐसी भी देखी है घूंघट कर, अब बहुत सी ऐसी है, बहुत सी इन्होंने देखी है अपने आस पास में, ये ऐसी है घूंघट करके भी बहुत बदतमीजी बोलती है, तो हमारे घर में ऑप्शन है, और इन्होंने मेरे पास ऑप्शन रख दिया था कि अगर तेरे को करना है घूंघट तो कर, नहीं करना तो मत कर। और हाँ ऐसा नहीं है कि पापा मम्मी होते हैं तो मैं नीचे बैठती हूँ, ऐसा नहीं है, हम एक साथ ही बैठ के खाते हैं, एक साथ ही बैठते हैं। पापा आ गए, हाय गाइस।
हम तो शहरी बना दिए छोटी बहू ने। हाँ। तो गाइस हमारा ऐसे है कि जैसे पापा जहाँ बैठे हैं वहीं पे मम्मी मैं पम्मी हम सब बैठ जाते हैं। अब आप इस लोग इसमें कहेंगे कि ये बेशर्मी है, तो मेरे मम्मी पापा बैठे होते हैं तब भी तो मैं ऊपर बैठती हूँ, और फिर आप कहते हो कि सास ससुर को माँ बाप समझो, तो जब ये माँ बाप है तो इनके आगे नीचे क्यों बैठे और इनसे मुंह क्यों छिपाऊं अगर ये माँ बाप है तो। अब इन्हें तो हर चीज का हक है, डांटने का भी लड़ने का भी, और मैं भी इनसे लड़ सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ अगर ये माँ बाप है तो। तो फिर आप लोग कहते हो कि सास ससुर को माँ बाप मानो, तो फिर माँ बाप मानेंगे तो माँ बाप की तरह रहना भी पड़ेगा। बताओ भाई पापा कुछ बोलो। माँ बाप है हम तो तुम्हारे, तो फिर हम फिर लोग कहते हैं ना कि सास ससुर के आगे नीचे बैठना चाहिए, घूंघट करना चाहिए, ये गलत है, सब सब गलत है। और रही बात ना, मम्मी ने तो शुरू से कहा था कि घूंघट रहन दो, पर पापा को यह था कोई बात नहीं, जैसे घर की बेटियां ऐसे ही है, कोई बात नहीं। मम्मी ना जैसे लड़ भी लेती है ना, पापा नहीं लड़ते, तो इसलिए मुझे मम्मी से ज्यादा पापा पसंद है। क्योंकि मम्मी अगर किसी चीज पर टोक भी देती है, और मैं मतलब कि तो मतलब वो करूं, नहीं मतलब मम्मी करती है, मम्मी की लाड की। मम्मी जैसे ही हम जो रहे पहले से सोती रहे ना, दस बार शुरू तो आता है लेट सोएगी, तो मम्मी का दीजिए उठावे नहीं, सोती है। हां ये चीज है, मेरे को कभी किसी ने सोता नहीं उठाया। हां पर पापा की बहुत बेचैनी रहती थी, 8 बजे उठ जाओ उठ जाओ, सूरज उठ गया, मेरे पापा उठ रहे हैं। पर फिर भी चाहे मम्मी कितने मेरे से लगा, पर मेरे को ज्यादा अच्छे पापा लगते हैं शुरू से ही, क्योंकि पापा कुछ कहते नहीं है, मेरे से आज तक कुछ नहीं कहा। मम्मी से लड़ते हैं बेशक, मुझसे नहीं कहते कुछ भी। और बताओ मम्मी, आप पता क्या कहेगी, अब मैं भी पसंद बदलूंगी। मम्मी से लड़ते हैं पापा। हाँ, मेरे अगर मैं कुछ बोलती हूँ, ज्यादातर ना अगर मम्मी मेरी लड़ाई होती है तो मैं पापा को नहीं बताती, क्योंकि पापा हाथ भी उठा देते हैं। कुछ बात होगी, पापा ने मेरे पे ना बचपन में हाथ उठाया, बीच में पापा ने उस बात लेके मेरे पे हाथ भी उठा दिया इसके चक्कर में। और ऐसा है गाइस, आप लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ प्यार प्यार है, हमारी भी लड़ाइयाँ होती है, बहुत लड़ाई होती है पर सॉल्व हो जाती है, वो तो सबके घर में होती है, सबके घर में होती है, बस ये सीन है। अब देखो इतनी सी बात में आप समझ गए होंगे, अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं मम्मी पापा के साथ और ब्लॉग बनाऊं और कुछ बताऊं, तो मैं बना दूंगी जिसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं जो तुम्हें चाहिए। हाँ आप लोग पूछ रहे हैं कि आप शॉर्ट ड्रेसेस घर में भी पहनते हो? जी नहीं, जीन्स टॉप मेरे को घर में अलाउड है, जीन्स टॉप मैं पहनती हूँ घर में भी, नाइट सूट वगैरह जो भी मेरे को पहनने होते हैं मैं घर में पहनती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे कहती है कि सूट पहना कर, पर पापा कहते हैं कोई बात नहीं जिसमें कंफर्टेबल है उसमें। ये तो मेरी इच्छा पड़ती है कि घर में सूट पहन के आएगा, घर में यूं करते सूट बहुत अच्छे लगे। हाँ पर मम्मी कह देती है कभी, पर पापा कहते हैं उसे जो पहनना है पहनने, सूट में अच्छी लगे। मेरा क्या है ना, जैसे हम फ्लैट से यहाँ पे आते हैं तो मैं लोअर टी शर्ट में भी आ जाती हूँ, तो मम्मी मेरे को हमेशा बोलती है सूट पहन लिया कर, और पापा कहते हैं कोई बात नहीं लो टी शर्ट ठीक है गर्मी तो पता कितने अच्छे लगे तो ऐसे ही है। तो गाइस यही बात है, अगर इसके बाद भी आप कुछ जानना चाहेंगे तो हम मम्मी पापा के साथ फिर से एक ब्लॉग बनाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, और मैं ऐसे ही रहती हूँ अपने ससुराल में भी और घर पे भी। ठीक है चलो बाय बाय, बाय कर दो सारे, बाय गाइस फ्लैट पे, क्योंकि मुझे अपनी वही वीडियोज वगैरह कम्प्लीट करनी है, और बस पापा और मम्मी ये रहे, दिख रहे हैं जा रहे हैं हम। ठीक है बेटा, और अब मम्मी पापा घर में अकेले ही हैं, और आजकल पापा मम्मी के हाथ का खाना खा के बहुत खुश हो रहे हैं, वरना कभी नहीं खाते थे। मम्मी आजकल खाना सही बना रही है? बहुत बढ़िया बना रही है बेटा। मम्मी देख रही है, मम्मी पीछे से घूर रही है, अगर बुरा बोलते मम्मी वही से घुट देती। पहले घर आए हैं तो गेट तो खुल रहे हैं, और ये सब गेट खोल के सो रहे हैं, ले लो फिर चले। तो गाइस कल हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह फिर से घूमने, रिजॉर्ट, क्या बताऊं, वाइल्ड हॉट, हम जा रहे हैं वाइल्ड हॉक फरीदाबाद कल। अगर कोई मिलना चाहे तो वहाँ भी मिल सकते हैं हमसे, आ जाएंगे ना वो अपना रिजॉर्ट में, तो वो टिकट लेके आ जाएंगे अपनी वाइल्ड। गाइस वाइल्ड हॉक फरीदाबाद, हॉक ना आप लोग चेक कर लेना, वाइल्ड हॉक फरीदाबाद। हम लोग आ गए थे फ्लैट पे, आते ही हमेशा की तरह वही हुआ, ये जो पर्दा ऊपर खुला हुआ इससे आ गई थी एक छिपकली, इन्होंने भगाई और आते ही सो गए। उसके बाद मैंने करी पैकिंग, मेरी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप रिजॉर्ट जाते हो, मुझे इतनी भूख लग रही है तो कुछ नहीं था, वो मेरी चॉकलेट, फिर मैं वही खा के काम चला रही हूँ। फिर आते ही मैंने पता क्या काम करा, सारा मंदिर की सफाई करी,
यहाँ पे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था सारे में सामान फैला हुआ था जो हम ऐसे ही छोड़ के गए थे वृंदावन से आके, वो सारा साफ करा, झाड़ू पोछा करे, किचन साफ करा, बर्तन धोए, थोड़े से अभी भी रहते हैं, और मतलब अब सारा काम करके मैं निपट चुकी हूँ, बैठी हूँ। कपड़े इतने सारे हुए हैं धोने के लिए, वो देखो, क्योंकि कशिश भी मेरे लिए कपड़े पहनती है और पुनीत इनके, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और ये तो तब से सो गए, और अब मैं सारा काम कर चुकी हूँ इन्हें, मतलब मैं उठा नहीं रही इनकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि कल भी हमें फरीदाबाद जाना है तो ये ड्राइव करेंगे, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं कर दी, और आके मैं ब्लॉग भी इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ये थके हुए थे और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, दोनों के फ़ोन डेड थे, अब इनका चार्ज हो रहा है और मैं काम करके अब भूखी बैठ। मॉर्निंग, तो गाइस हम सब उठ चुके हैं और हमारी सब टीचर भी है वहाँ पैकिंग, बस नोना ही सो रही है, नोना नहीं उठी, और ये हमारे ब्लॉग का मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड, फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, फिर मिलेंगे हम आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस।